शोहरत की बुलंदी पर पहुंच जाना तो आसान है, लेकिन वहां टिके रहना बहुत मुश्किल। सन 60 की दिहाई में कामयाबी का जो ताज मोइन अख्तर के सर पर सजा दिया गया था, उसे मोइन अख्तर ने आखिरी लम्हे तक गिरने नहीं दिया। आर वी ट्रू ह्यूमन बींग्स? आर वी ट्रू मुस्लिम्स? हम क्या हैं? हम हैं क्या, पहले तो ये बता। हमें तो नहीं, मुझे तो नहीं समझ। आने वाली सड़क से जा रहे होते हैं, जाने वाली सड़क से आ रहे होते हैं। वो लफ्ज लफ्ज कमाल था, पैरे हुस्नो जमाल था। खुलकर मजाक करने वाले मोइन अख्तर पुरजोश, खुश मिजाज, मेलजोल रखने वाले और जिंदगी की नफीस चीजों का मजा लेने वाले शख्स थे। अच्छी डांसर है या नीली? आपसे सैलाब पे बात करें। मेरी जान, ये दोनों भी सैलाब से कम नहीं है। जबकि अपने आप में खुश रहने वाले मोइन अख्तर मुनकसर, खामोश, तन्हाई पसंद और छोटी छोटी खुशियों में रहने वाले भी थे। चौबीस दिसंबर 1950 को कराची में पैदा होने वाले मोइन अख्तर ने 16 बरस की उम्र में स्टेज से अपने फनी सफर का आगाज किया और हाजरीन के दिल जीत लिए। तो अब्बा हारमोनियम बजाते थे? नहीं, अब्बा हारमोनियम खाते थे। अबे साले, तभी से मेरा माफ करना, गुस्से में इधर-उधर निकल जाता हूँ। पाकिस्तान की कॉमेडी के कैनवस पर चंद ऐसे रंग बिखरे हैं जिनके बगैर पाकिस्तानी शोबिस कॉमेडी अधूरी है। मुसन्निफ लफ्ज तो लिख ही देता है, मगर लिखे हुए लफ्ज के तकाजे पूरे करना हर किसी के बस की बात नहीं। मोइन अख्तर एक ऐसा नाम है जिन्होंने स्टैंड अप कॉमेडी से करियर का आगाज किया। बताइए, इस कतर खूबसूरत बच्चा है, मैं इसे क्या कहूँ, लड़का या लड़की? आगे वाले साहब मुड़े और कहने लगे, ये लड़का है। पीछे वाले बड़े शर्मिंदा हुए। माफ कीजिए साहब, मुझे नहीं मालूम था कि आप इसके बाप हैं। आगे वाले मुड़े, बकवास मत करो, मैं इसकी माँ हूँ। अभी कराची में टेलीविजन शुरू नहीं हुआ था, इसलिए रेडियो के बाद स्टेज ही फन के इजहार का एक जरिया था। नकाली की सलाहियत को अदाकारी का सबसे पहला मरहला समझा जाता है, लेकिन ये अदाकारी की मेराज नहीं। मोइन अख्तर ने इससे एक कदम आगे जाकर अदाकारी के तख्लीकी जोहर तक रसाई हासिल की। टीवी पर शायकीन को मजाक के एक नए अंदाज से भी रोशनास कराया, जो इनका ही खासा था। इनका गुस्सा इतना खतरनाक है, जब ये पैदा हुए तो एक नर्स ने जरा जोर से इनको टेबल पर रख दिया। अब्बा ने वहीं तलवार निकाली और 6 फायर कर दिए। मोइन अख्तर की दास्तान हयात एक तरह से पाकिस्तान टेलीविजन की अपनी जीवन कथा भी है। दोनों एक साथ मंजर आम पर आए, दोनों ने इकट्ठे मकबूलियत और शोहरत का सफर किया और दोनों का नाम दुनिया भर में आबाद पाकिस्तानियों तक एक साथ पहुंचा। और फिर मीडिया के बदलते हुए आलमी मंजर ने जो नए चैलेंज पेश किए, उनसे भी दोनों एक साथ नबर्दाजमा हुए। मुख्तलिफ ड्रामों में मंचले नौजवान से लेकर एक सन की बुढ़े तक के जो किरदार मोइन अख्तर ने अदा किए, वो इस बात का मुंह बोलता सबूत थे कि मोइन अख्तर का फन एक नकाल की महदूद चार दीवारी तोड़कर फन के वसीओ अरीज मैदान में आ निकला है। और इस मैदान में मिस रोजी का किरदार एक ऐसा चैलेंज साबित हुआ जिसे कबूल करके मोइन अख्तर ने दोस्तों के साथ साथ दुश्मनों से भी दाद वसूल की। चला गया डॉक्टर, जब मर्द औरत को शिकार समझता था, आज की औरत अपनी इज्जत करवाना जानती है। मोइन अख्तर ने अगरचे कई बार भारत जाकर भी अपने फन का मुजाहरा किया, और अगर पाकिस्तान और भारत के ताल्लुकात अच्छे होते तो शायद मुंबई की तमाशगाह भी मोइन अख्तर के शहर से ना बच सकती। लेकिन भारतीय फनकारों पर दाग बिठाने के लिए मोइन अख्तर को फिर भी एक रास्ता मिल गया, और वो था दुबई का रास्ता। मोइन अख्तर ने मशरक़ वस्ता में कई बार शो मुनक़िद किए और बड़े सगीर के सबसे बड़े अदाकार दिलीप कुमार तक को अपना फैन बना लिया। उर्दू मोइन की अपनी जुबान थी, लेकिन बंगाली, सिंधी, मेमनी और गुजराती से उन्होंने महज फनकाराना जरूरियात के तहत शनासाई पैदा की और इन जुबानों के लहजे और तलफ्फुज पर ऐसा अबूर हासिल किया कि अहले जुबान को भी इंगिश्ते बदनदां कर दिया। क्रिकेटर से आपको मिल रहा है, अब ये डिटेल में जाने का क्या जरूरत है कि तीन खेल दिया वो भी हार गया, उसका बाद में तीन। इनके यादगार ड्रामों में रोजी, हाफ प्लेट, शो टाइम, स्टूडियो ढाई, 50-50, आंगन टेढ़ा, इंतजार फरमाइए और ई ट्रेन शामिल हैं। मोइन अख्तर को इनकी हमजहत फनकाराना सलाहियतों की वजह से सदारती तमगा बराए हुस्ने कारकर्दगी समेत कई अहम कौमी और बैनुल अक्वामी सतह पर अवार्ड से भी नवाजा गया। पाकिस्तान के लिए फखर का बायस बनने वाला ये फनकार 2011 में दिल का दौरा पड़ने से इंतकाल कर गए, लेकिन इनकी यादें आज भी करोड़ों मद्दाहों के दिलों में जिंदा है। जमाना बड़े शौक से सुन रहा था, हम ही सो गए दास्तां कहते कहते।